दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल फंडरस्टैंडिंग पे। दोस्तों अभी माइंड रीडिंग का बड़ा सारा चल रहा है, वैसे बहुत सारी चीजें। फंडरस्टैंडिंग सिंपल है, फन और अंडरस्टैंडिंग के साथ। जो भी मुझे चीज लगती है जो आपको समझनी चाहिए, सरल आसान तरीके से समझ जाए, उसको मैं अपने चैनल पे डालता हूँ। लेकिन आज मैं आपको माइंड रीडिंग का वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, माइंड रीडिंग आपको सिखाने जा रहा हूँ। और ऐसी माइंड रीडिंग जो आप भरी भीड़ में कर सकते हैं, 1-to-1 नहीं है, एक आदमी आपका भरी भीड़ में 10 बिल्कुल अजनबी लोगों के सामने कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें और अपनी माइंड रीडिंग का लोहा मनवा सकें। दोस्तों बहुत ही आसान, किसी पार्टी में, किसी जगह, कहीं भी आप इसे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं माइंड रीडिंग बिल्कुल सटीक, बिना गलती के। जैसे अभी अपनी बेटी को यहाँ बुलाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये मेरी बेटी है, इसके माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी 10 लोग 20 लोग कुछ भी हो, आप कर सकते हैं। आपके पास एक पैड सा होना चाहिए, पर्ची वर्ची बनाने के लिए कुछ कागज होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, और फिर आप माइंड रीडिंग से बिल्कुल मस्त बता सकते हैं दूसरा क्या सोच रहा है, वो आप माइंड रीडिंग से बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक सवाल इससे पूछता हूँ, फिर मैं और सवाल और लोगों से पूछूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि देखिए मुझे जवाब कैसे माइंड रीड करके पता चला। बेटा आपका फेवरेट हिंदी मूवी का हीरो कौन सा? शाहरुख। तो दोस्तों मैंने अपनी बेटी से पूछा कि उसका फेवरेट हिंदी मूवीज का हीरो कौन है, उसने बताया शाहरुख खान। आपने इसे एक पर्चे पे लिखा, उसके सामने ही लिखा, उसके बाद इसका पर्चा बना लिया और पर्चे को ऐसे मोड़ के एक पात्र में, किसी कटोरे में अपनी जेब में रख दें। जेब में रखने पे लोग एतराज कर सकते, सामने ही उनके कटोरे या किसी चीज, बास्केट, किसी भी चीज में आप रख दें उस पर्चे को। चलिए आपके लिए मैं इसे एक प्लेट लाता हूँ, उसमें रखता हूँ। तो दोस्तों ये प्लेट है, प्लेट में मैंने पर्ची जिसमें शाहरुख खान ने उन्होंने कहा डाल दी, ये पर्ची डाल दी। फिर मैंने और लोगों से भी पूछा आपका फेवरेट हीरो कौन सा, उधर उनसे पूछा, इधर इस पे लिखा, लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए मुझे। देखिए क्या क्या उत्तर दिए। ऋतिक रोशन, ठीक है, ऋतिक रोशन। अक्षय कुमार। धर्मेंद्र। अच्छा धर्मेंद्र, ये तो पुराना हीरो है। जितेंद्र, ठीक है जी, जितेंद्र। अमिताभ बच्चन। अच्छा सैफ अली खान। तो दोस्तों ये लोगों ने बताई कि कौन कौन से उन्हें हीरो पसंद है इन्हीं मूवीज के। इसमें से एक पर्ची मेरी बेटी उठाएगी, इसने उठा दी। अब बाकी पर्चियां मुझे खुद नहीं पता इनमें क्या है और उसने क्या उठाई, उसने भी रैंडम ही उठाई। अब बाकी पर्चियां मैं खुद अपने हाथ से इन्हें फेंक देता हूं डस्टबिन में। तो दोस्तों इसके हाथ में क्या पर्ची इसे नहीं पता, अभी इसने खुद भी नहीं देखा। मैं इसका माइंड रीड करने की कोशिश करता हूं। बेटा पर्ची ध्यान से पकड़ो, ध्यान से कोशिश करो कि आप इसके अंदर का नाम रीड कर रहे हो। अब मैं कोशिश करता हूं कि इसके दिमाग को पढ़ो, ध्यान से सोचो कि पर्ची में क्या लिखा है। आप सोचो, आपको बोलना कुछ नहीं, बस सोचो। इस पर्ची से आपके अंदर वो तरंगे पहुंच रही जो मुझे लगता है कि बता सकती। शाहरुख खान, खोल के देखिए पर्ची को, कैमरे के सामने दिखाइए, पास ले जाओ थोड़ा कैमरे के। दोस्तों देखा आपने, ये शाहरुख खान है। और मुझे नहीं पता था क्योंकि कितने सारे हीरोज के नाम लिखे थे इसमें हिंदी मूवीज के, मगर निकला शाहरुख खान। तो दोस्तों इसके पीछे की ट्रिक मैं अब आपको बताता हूं, मजा आएगा आपको जान के, बहुत आसान है। दरअसल सारी ट्रिक छुपी है उन पर्चियों में जो मैंने फेंक, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या करना है आपको, आपको नाम पूछ के पर्ची पे लिखना है किसी ने कहा शाहरुख खान। वैसे तो सबसे आसान ट्रिक ये है कि पहले व्यक्ति ने जो कहा है वो आप लिख लें, जैसे मेरी बेटी ने कहा, पहले सबसे पहले उससे मैंने पूछा, उसने कहा शाहरुख खान। उसके बाद कोई कुछ भी कहता रहे, आपको लिखना वही है जो आपने पहले नंबर पे लिखा, यानी मैंने शाहरुख खान लिखा, फिर किसी ने कहा ऋतिक रोशन, मैंने कहा अच्छा ऋतिक रोशन, और ऐसे दिखावा किया जैसे मैं लिख रहा हूं ऋतिक रोशन, पर मैंने लिखा शाहरुख खान।
फिर तीसरे से पूछा, उसने कुछ भी कहा, उसने धर्मेंद्र कहा, उसने सैफ अली खान कहा, उसने अक्षय कुमार कहा, मुझे उससे कुछ, मैं लिखूंगा शाहरुख खान। तो आप इस तरीके से लिखेंगे पर्ची आप ही की तरफ रहे, बस इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वैसे लोग पर्ची में ताला लगा नहीं करते, लोग अपनी बात पे ध्यान देंगे, आप उनके साथ में अपना थोड़ा बातें बनाना सीखिए ताकि उनका ध्यान अपनी बातों पर रहे। भाई क्या बात है, इस हीरो का नाम तो किसी ने दिया है, क्या बात है, वो डांसिंग हीरो, ऐसा कुछ ना कुछ बोलते रहिए ताकि लोगों का ध्यान पर्ची की तरफ जाए नहीं, और पर्ची की तरफ शुरू में जाए। उसके बाद आप जब एक पर्ची उठाने को कहते हैं तो बड़ी सफाई से जो बाकी पर्ची, जैसे मैंने कहा कूड़ेदान में डाल देता हूँ, आप भी तुरंत देख लेते कहाँ डालनी है, उन्हें फेंका है वहां पे और ऐसी जगह फेंका है कि फिर कोई उठा के देखे नहीं, वैसे किसी के मन में बात आएगी नहीं। आप अगर इसे ठीक से प्रदर्शित करते हैं तो कुछ नहीं हो। उसके बाद फिर वही नाटक करिए, एक पर्ची उसके हाथ में है जिसके आपने हाथ में दी, जैसे मैंने अपनी बेटी के हाथ में दी, उसके बाद क्या रीडिंग का बहाना करें, पर आपको तो पता है उस पर्ची में क्या निकलने वाला, और उसमें निकलने वाला क्या, शाहरुख खान, बाकी आपके जो पसंद का हीरो या कोई भी खिलाड़ी, ये कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी आप चुनना चाहें चुन सकते हैं, लेकिन आपकी इस माइंड रीडिंग का जलवा लोग जान के हैरान रह जाएंगे। मेरे चैनल फंडर स्टैंडिंग को देखते रहिए। थैंक यू।